कभी कभी ये मशीन में डिस्प्ले में जो दिखता है, जो काले कैरेक्टर में आपका अल्फाबेट या जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिखती है वो लाइट हो जाती है। उसके लाइट हो जाना या बिल्कुल नहीं दिखाई देने में हमको इसके अंदर एक प्रीसेट होता है, प्रीसेट को हम वैल्यू, उसकी वैल्यू हम उसको घुमाकर चेंज करते हैं और हम इसकी लाइट सेट करते हैं, किसकी कैरेक्टर की ब्लैक लाइट को हम सेट करते हैं। एक येलो, ये येलो लाइट दिख रही है, ये बैकग्राउंड लाइट कहलाती है। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही मशीन को सबसे पहले हम इस प्रकार से उल्टा कर लेंगे, चारों कॉर्नर में जो होल हैं चारों कॉर्नर के स्क्रू खोल लेंगे और हम दो होल को इस प्रकार से बंद करते हुए हम इसको सीधा करेंगे, चारों स्क्रू कॉर्नर में गिर जाएंगे। इसके पश्चात हम इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये डिस्प्ले के दोनों वायर इस ये कनेक्टर से यहाँ पर जुड़े हैं, ये डिस्प्ले के कनेक्टर कहलाते हैं। ये सब कार्य आपको मशीन को स्विच ऑफ करके करना है, उसके पश्चात आप मशीन को स्विच ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या है, ये जो है ये लेफ्ट साइड वाले कनेक्टर का प्रीसेट ये है, राइट साइड वाले कनेक्टर का प्रीसेट ये है। तो हमें सामान्यतः जो होता है फ्रंट डिस्प्ले में चेक करना है यदि, तो लेफ्ट वाला हम जो प्रीसेट है उसको मूव करेंगे। अब आपको यहाँ से इस प्रकार से आप प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर को इसके प्लस वाले होल में फिक्स करेंगे और हल्का सा मूवमेंट देंगे तो क्या होगा, इसकी जो डार्कनेस है वो कम ज़्यादा होगी। देखिए मैं ये इसको यदि ज़्यादा कर देता हूँ तो पीछे जो कैरेक्टर हैं वो ब्लैक ब्लैक बॉक्स आने लगते हैं, उसको सेट करना है कि ब्लैक बॉक्स भी नहीं दिखना चाहिए आपको। और इसको मैंने देखिए ये कम हो गया, ये इस टाइप की स्थिति, ये डार्क वाली हो गई, ये कम हो गई। इसको हम हल्का सा घुमाएंगे, हमको ऐसा सेट करना है कि ब्लैक बॉक्स भी ना दिखे और हमें कैरेक्टर भी स्पष्ट दिखे। इस प्रकार से हम ये दोनों डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं।